हेलो एवरीवान आई एम बैक अदर वीडियो लेक्चर और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास है सॉल्विंग क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स ठीक है सो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स हमारे पास अराइज होती हैं डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हम रोज़ाना का काम करते हैं ना उसमें हर तरह की जो प्रॉब्लम होती है बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव हम रेस्पॉल्व देते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं आज क्या पहनूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे बॉटनी जो है मुझे मेजर करना चाहिए क्या मुझे स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए किस सब्जेक्ट में इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया बॉटनी और इंग्लिश पर ए, अगर हम हाँ अपनी फील्ड की एग्जाम्पल दे तो हमारे पास ये है कि मैं ऑर्थो में करूँ न्यूरो में जाऊँ कार्डियो में जाऊँ या किसी बेसिक फील्ड में जाऊँ ठीक है सो वेदर टू स्टडी और वॉच टेलीविजन आर ऑल प्रॉब्लम इन देंस डेट आर सर्टे ठीक है यही बात है कि हमें ये भी से बताइए तो हर स्टूडेंट के दिल में ख्याल आता है ना कि लाइक like, मैं इस टाइम पढूं या मैं टीवी देख लूं या मैं मोबाइल चेक कर लूं या मैं थोड़ा दो थोड़ी देर सोशल मीडिया यूज़ कर लूं या मैं कोई अच्छी सी सीरीज़ देख लूं ठीक है सो दैट इज बेसिकली द होल सना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं डेली एक्टिविटीज में एक लार्ज क्वेश्चन जो है हमारे पास जिंदगी का इसी चीज़ में गुजर जाता है कि हमने इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने ठीक है

मेन बात है कि हमारे पास क्या क्या टेक्निक हम यूज कर सकते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं ये थोड़ा सा बात की भी उन्होंने ठीक है सो अब उन्होंने बात की हमारे पास बेशक मूवमेंट क्वालिटी क्वान्टिटेटिव हमें पहले एनालाइज करना होता है फिर एक फॉर्मुलेशन करनी होती है क्वेश्चन की फिर उस क्वेश्चन को फाइनली आंसर करना होता है ठीक है ये हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज है जिनके हम यूज़ करके हम किसी तरह से आ, बनाते हैं पर किसी भी किसी भी चीज़ को सब सबसे पहले जब हमें एनालाइज करना है उसके बाद पहली चीज जो हमने काम करना होता है वो हमने करनी होती है फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन ठीक है सो हम पहले क्या करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की फॉर्मुलेशन करते हैं अच्छे से कि हमें किस तरह के क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं फिर उनके आंसर रिसर्च या सर्च करते हैं ठीक है स्पेसिफिक पर्पज ऑफ द एनालिसिस द क्वेश्चन टू बी फ्रेम्ड में भी जनरल और स्पेसिफिक डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन है आप उसके अकॉर्डिंगली जनरल रख सकते हैं या क्वेश्चन को स्पेसिफिक कर सकते हैं जनरल क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इज द मूवमेंट बींग परफॉर्म विद एडुकेट फोर्स जो फोर्स लग रही है क्या वो मूवमेंट सही से परफॉर्म हो रही है उस फोर्स के अंदर ठीक है या जो हम कहते हैं कि मूवमेंट जो है वो उस पर जो फोर्स लग रही है वो एडुकेट है कि नहीं है या ठीक है कि नहीं है या ऑप्टेमल है कि नहीं है ठीक है मूवमेंट बींग्रोप्रिएट रेंज ऑफ मोशन जिस तरह से होनी चाहिए क्या उस तरह से हो रही है उतनी रेंज ऑफ मोशन यूज हो रही है ये चीज़ इज अक्सिंग ऑफ बॉडी मूवमेंट अप्रोप्रिएट फॉर एक्शन ऑफ द स्किल ठीक है अगर हम किसी स्किल को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या जो बॉडी के मूवमेंट है वो उस सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं वायर इज दिसमेंट है कि इस मूवमेंट में फॉल की टेंडेंसी ज्यादा है क्यों क्योंकि मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो एजेड मूवमेंट होती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन की वजह से हम कहते हैं टेंडेंसी फॉल ज्यादा हो जाती है ठीक है सो ये कुछ क्वेश्चन अराइज है वाई दिस शॉर्ट पुटर नॉट गेटिंग मोर डिस्टेंस अब शॉर्ट पुटर ने ज्यादा डिस्टेंस क्यों नहीं कवर किया क्यों क्यों शॉर्ट uh, कम डिस्टेंस पे ही खत्म uh, हो गई ठीक है मतलब ये सारी चीजें जो है वो सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं जनरली ठीक है अगर हम इसी की बात करते हैं तो गेट ठीक है excessive pronation जो है क्या हम फेज ऑफ गेट में ले कर सकते हैं या नहीं या पॉसिबल है कि नहीं या होती है कि नहीं ठीक है

ये सारे हमारे पास सवाल जो है वो अराइज हो रहे हैं ठीक है वास्टस मसल्स की का स्ट्रेंथनिंग जो है वो क्या पेटेला जो मिस ट्रैक हुआ हुआ या अपनी जगह से डिसप्लेस हुआ हुआ है क्या वो उसकी मिस ट्रैकिंग को एलिवेट या कम कर देगी पर ये चीजें जो है ये सारे सवालों के जवाब हमें देती है मूवमेंट या एनालाइजिंग ठीक है हाँ, हमारे मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है एनालाइजिंग अब क्या आता है नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास आ जाता है एनालाइजिंग द ह्यूमन मोशन इज टू कलेक्ट अ डाटा ठीक है हमारे पास किस तरह से डाटा कलेक्ट होता है मोस्ट कॉमनली uh, जो फॉर्म्स होते हैं डाटा कलेक्शन के वो कलेक्टेड uh, होते हैं टीचर्स से थे कोचिज से क्वालिटेटिव विजुअल ऑब्जर्वेशन डाटा ज्यादातर जो सारे लोग है ना वो डाटा को कलेक्ट करते हैं और विजुअलेशन से क्योंकि जो ऑब्जर्टेटिव डाटा होता है वो आप देख के ही पता कर सकते हैं कि किस तरह से ठीक है अब आइर या आप ऑब्जर्व करो रिटर्न लिख लो या आप मेंटल नोट्स माइंड में क्रिएट कर लो इस नोट्स को कि किस तरह से मूवमेंट होनी चाहिए कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए क्या परसपेक्टिव होना चाहिए किस तरह से परफॉर्म होनी चाहिए थी और मूवमेंट क्या गलती आई किस एथलीट ने किस तरह से मूवमेंट को परफॉर्म करना था तो वो ठीक होती किस तरह से परफॉर्म नहीं करना था तो वो ठीक होती ये सारी चीजें जो थी वो हमारे पास बेसिकली आ जाती हैं कि किस तरह क्या मूवमेंट की जो ऑब्जर्वेशन है कितनी अच्छी होनी चाहिए हमारी मूवमेंट की ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें पता चल सके कि पाप पे पर्सन कितना गलत मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है और हम आ, उसको किस तरह से ठीक करवा सकते हैं ये सारी चीजें जो है ये हमारे पास आ जाती है अः बेसिक या आप कह सकते हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कर कुछ क्वालिटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग के कुछ मैथर्स ठीक है सो हम नेक्स्ट में जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे फिर लास्ट में हम क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम फॉर्मल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मैथड्स देखेंगे ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं